आज सुनते हैं चंद्र की कहानी। चंद्र जो कि सबसे सुंदर माना जाता है, हर प्रेमी उसके तरफ इशारा करता है। तो चंद्र बड़ा सुंदर था, अपने रूप के गर्व से इतना ज्यादा गर्वित था कि कभी भगवान गणेश जो कि प्रथम पूज्य हैं, उन्हें चिढ़ा गया कि कैसा मुंह है और कैसा दिखता है तू। कहते हैं कि भगवान कुपित हुए और अपना दांत तोड़कर फेंका, तब से चांद के ऊपर एक दाग हो गया। चांद चूंकि इतना सुंदर था, दक्ष प्रजापति जो उस समय के राजा थे, उन्होंने अपनी 2700 कन्याओं का ब्याह उनसे कर दिया और चंद्र भी खुशी खुशी ब्याह कर लिया उनसे। सारी रानियां चंद्र के तरफ आकर्षित थी, पर चंद्र अपने रूप के मद में अंधा रोहिणी नाम की अपनी पत्नी की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित था। रोहिणी एक नक्षत्र भी है। चूंकि वो इतना ज्यादा आकर्षित था, बाकी की पत्नियां उससे नाराज हुई और उन्होंने दक्ष प्रजापति को ये बोला। दक्ष प्रजापति ने ये समझाने की बहुत कोशिश की चंद्र को कि अपने रूप के गर्भ पे मत जाओ, ना ही रोहिणी के रूप के कारण उसके तरफ बहुत ज्यादा आसक्ति रखो या ध्यान दो, ये पाप है। चंद्र नहीं माने। जब नहीं माने तो दक्ष प्रजापति नाराज हुए और उन्होंने श्राप दिया, जा जिस शरीर के ऊपर तू इतना गर्व कर रहा है इसका क्षय हो जाए और तुम्हें क्षय रोग हो जाए। चंद्र तब से घटने लगे। तो हम देखते हैं चंद्र को घटता हुआ। चंद्र बड़े फिक्रमंद हुए, इतना सुंदर शरीर धीरे धीरे गलने लगा। उन्होंने कुछ ना समझकर भगवान शिव की आराधना करनी शुरू की। इतने तल्लीन हो गए कि महादेव स्वयं प्रकट हुए। महादेव प्रकट हुए और उन्होंने बोला कि तुमने तो गलती की, शरीर की तरफ आसक्ति रखी, इसलिए पूरे श्राप से तो तुम्हें मैं विमुक्त नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ एक बात कि तुम्हें मैं सुविधा देती हूँ कि तुम्हारा क्षय जरूर हो जाएगा पर तुम वापस अपने रूप को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि कभी भी अपने रूप के ऊपर गर्व नहीं करना। चंद्र मान गए और तब से पूर्णिमा होती है, अमावस्या होती है और फिर पूर्णिमा होती है, शुक्ल पक्ष होता है और कृष्ण पक्ष होता है। और चंद्र ने जो रूप पे गर्व किया और उसका क्षय हुआ, फिर उसे बुद्धि आई। इसी बात को याद दिलाने के लिए हमने अपने पश्चिमी द्वार का नाम चंद्र द्वार रखा है। दिव्यांग शब्द का भी इशारा सिर्फ उतना ही है कि जब भी हम किसी व्यक्ति को देखते हैं उसके अंगों की तरफ ध्यान ना दें और उसमें व्याप्त दिव्यता को देखें। वही हमारी परंपरा है और संस्कृति है और इसी कारण ये शब्द दिया गया दिव्यांग, विकलांगों और अक्षमों को बोलने के लिए। धन्यवाद।